कोकिल कंठ से आप विगत दिनों से फुलवारी प्रसंग को सुनते आ रहे हैं, ऐसे हमारी बहन मानस कोकिला श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं और आश्रम में भ्रमण कर रहे और निवास कर रहे श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो नित्यानंद परिसर में आकर राम कथा का आनंद लें। श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी 6:15 तक आपको सुनाएंगी, फिर परम पूज्य महाराज श्री 10-5 मिनट आगे पीछे चलता कोई बात नहीं, पूज्य जगत गुरु जी महाराज तक पधारेंगे और महाराज श्री 7 बजे तक आज हम सब पूज्य महाराज की वाणी का नाम लेंगे। कल भी आप लोग नीलमणि जी को सुन सकेंगे और कृष्णा जी को। हम सोचते हैं कल आखिरी दिन है प्रवचन का, आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, जब वो थोड़ा कुछ कहने का मन बनता है, इसलिए आप लोग अच्छी से कह लाएं। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। Thank you.
जगत जननी मैया की श्री हनुमान जी महाराज जी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनंत श्री विभूषण शिव स्वरूप भगवान शंकराचार्य की माँ की अनंत करुणा ठाकुर जी की दया बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से बहुत नीचे दिन बीत रहे हैं माई की छत्र छाया में मंचस्थ महाराज श्री अग्नि अखाड़ा के महाराज जी और महाराज जी आपके चरणों में वंदन करती हूँ। हमारी अत्यंत प्रिय और आदरणीय बहन नीलमणि जी बहुत सुंदर आपको चर्चा सुना रही थी और बहुत ही महीन बात एकदम टकसाली बात खरी बात आपने कही कि वो पाना चाहेगा और आप जागते ना हो तो वो सुषुप्ति में पा लेगा। इतना अच्छा लग रहा था हमको सुन के। और वो कहते हैं कि गया वक्त गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, लेकिन आपने हमको गुजरा जमाना लौटा दिया। आप लोग छोटी छोटी थी ये और लक्ष्मी, उस समय हम इनको कथा कहते देखते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। देखो कुल में एक भगवत भक्त संतान उत्पन्न हो जाए, आपकी तो 71 पीढ़ियां आपने तार दी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। एक भगवत भक्त संतति हो जाए, आप दोनों बहनों ने कितना बड़ा कल्याण किया अपने कुल का और सारे संसार का, ये श्री महाराज जी की कृपा का फल है। इसीलिए कहते हैं शहादती तो समर्थ की ही होनी चाहिए, तो फिर कल्याण ही कल्याण है। बहुत सुंदर चर्चा आप सुना रही थी, वो पाना चाहे और हम जगे ना हो तो सोए में ही पा लेगा, नहीं पाया क्या? जाग जसो दाते बालक उपजा। यशोदा मैया तो सो रही थी और सखियों ने कहा जाते जसो दाते बालक उठी सखी सब मंगल गाए। वो देना चाहे तो जिसको पाना चाहे उसी को मिलता है। बहुत सुंदर